उनको ना समझ, उसको समझना चाहिए ना। क्या तंग करता था पति आपको? वो मारते करे थे, हमेशा मारते थे। पति का सुख नहीं मिलता था उनसे, और फिर इनसे मिलता था जो प्रेमी है, इन्हीं के साथ अब रहना चाहती है। फिर बच्चे कहाँ रहेंगे? आपके कैसा रहेंगे? वीडियो में दिखने वाली यह है 6 बच्चों की माँ, जिसने अपने हाथों ही अपने सुहाग को मौत की नींद सुलवा दिया। इस औरत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इतनी शातिर है कि इसने अपने पति को पूरी प्लानिंग के साथ मौत के घाट उतरवा दिया था। लेकिन इसने इस खौफनाक कत्ल की कहानी अकेले नहीं लिखी थी, बल्कि इसका साथ दिया इसके आशिक ने। असल में यह महिला है नूरजहां खातून, जिसके ऊपर आरोप है कि इसने अपने शौहर मोहम्मद मियां को 22 मई की रात गोली मरवा कर मौत दे दी। असल में गोपालगंज जिले के लाडपुर गांव में मछली व्यापारी मोहम्मद मियां की बीती 22 मई की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 दिन में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस मामले में मरहूम की पत्नी नूरजहां खातून और उसका प्रेमी नौशाद आलम मुख्य आरोपी निकले। दोनों ने सुपारी किलर की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7500 रुपए नकद, 1 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की है। फुलवारिया थाना पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि मोहम्मद मियां की पत्नी नूरजहां खातून के अवैध संबंध नौशाद आलम के साथ थे, जिस वजह से मोहम्मद अपनी बीवी को मारता पीटता था। इसी से तंग आकर पत्नी ने अपने आशिक नौशाद के साथ 2 सुपारी किलर को हायर किया और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। गिरफ्तार सुपारी किलर मंसूर आलम और परवेज आलम से पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि 6 बच्चों की मां नूरजहां खातून ने 50,000 रुपए में अपने पति मोहम्मद मियां की हत्या करने की सुपारी दी थी। सुपारी की राशि में से 28,000 रुपए की उन्होंने पिस्तौल खरीदी और 4 जिंदा कारतूस लिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि घटना की रात खुद नूरजहां मोबाइल से निर्देश दे रही थी और खिड़की खोलकर देख रही थी अपने पति की मौत होते हुए। जो मृतक है वो अपने घर के बाहर सोया हुआ था खाट पर, और जो पत्नी जिसने पूरे योजना को अंजाम दिया था योजनाबद्ध तरीके से, वो खिड़की से झांक भी रही थी और फ़ोन पर अपराधियों को बुलाया था और उसके सामने ही ये घटना हुई है। तो सर, महिला क्या देख पा रही थी कि उसके पति की हत्या हो रही है उसके आंखों के सामने? हाँ, जैसा उन्होंने बताया है कि वो खिड़की से देख रही थी और फ़ोन पर थी, अपराधियों के साथ बातचीत कर रही थी, और उसने इशारा भी किया कि ये खाट पे जो सोया व्यक्ति है इसी की हत्या करनी है जो उसका पति है। कब से इन लोगों के बीच में अवैध संबंध था, कुछ बताया था? ये कई सालों से हैं। पति इनका दुबई में रहता था और काफ़ी लंबे समय तक दुबई में था, और उसी समय से ये संबंध स्थापित हुआ था। नूरजहां, इस नाम का मतलब है जमाने की रोशनी, मगर आपकी स्क्रीन पर लाल दुपट्टे में चलती इस महिला ने जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, उसने इस नाम के ऊपर खून का ऐसा धब्बा लगाया जो ये औरत कभी शायद मिटा ना सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।